की भारी भीड़ देखी जा रही है। बंपर वोटिंग के संकेत जो है वो मिल रहे हैं, कई सीटों से बंपर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं। सुबह 9 बजे कुल 11.11% मतदान हुआ अनंतनाग में, सुबह 9 बजे तक 6%, अनंतनाग पश्चिम में सुबह 9 बजे तक 8% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बात अगर पहलगाम की करें तो सुबह 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो रामबन में सुबह 9 बजे तक 11% से ज्यादा मतदान, कोकर नाग में सुबह 9 बजे तक 12% मतदान। जिलों में 7 जिलों की 24 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है और ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर, जहां शोपिया में, कुलगाम में, देवसर में, डोरू में, रामबन में, किश्तवाड़ में, पहलगाम, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, इसके अलावा बनिहाल, पुलवामा, ये तमाम वो इलाके, डोडा, कोकरनाग, ये तमाम वो इलाके जहां पर आपने शायद ही इससे पहले कभी भी इस तरह जागरूक वोटरों को देखा हो। जागरूक मतदाता हैं ये। और देखिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, आज 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग चल रही है और कहां कितने प्रतिशत तक मतदान हो गया है ये भी आप देख रहे हैं। राजन वैद मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं किश्तवाड़ से। राजन, किश्तवाड़ में क्या वोटर्स जागरूक नजर आ रहे हैं और अभी ताजा परसेंटेज क्या है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है यहां पर राजन? जी जी, ये देखिए अभी जो परसेंटेज आई है लेटेस्ट, वो है 26% जो है वो मतदान हो चुका है। और इस वक्त यहाँ इस जहाँ मैं मौजूद हूँ मतदान केंद्र में, जो किश्तवाड़ के जो पाडर नागसैनी के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के सुनील शर्मा, वो अपना मत का इस्तेमाल करने यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद वो अपना मत का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरह का उत्साह हमने देखा है, खास जो चेनाब वैली है, इसके 3 जो जिले हैं, डोडा है, किश्तवाड़ है और उसके साथ रामबन के इलाकों में अच्छा खासा जो वोटर टर्नआउट है अब तक देखने में आया है। लगभग 11:30 बजे हैं और अब तक जो है 26-27% जो है वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि शाम तक जब 6 बजेंगे तो ये वोटर जो है जो टर्नआउट है परसेंटेज ये काफी आगे जाएगा। क्योंकि तो इस दफा उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में ये हो रहे हैं और उससे जो वोटर है उत्साहित है। और वोटर्स का कहना है कि पहले उनको मुश्किलें ये थी कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एक यहाँ बन गया था पिछले 10 साल में और उसके चलते कई काम जो उनके नहीं हो पाते थे क्योंकि एक्सेस नहीं हो पाता था उनका, लेकिन जब उनके लोकल एमएलए यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनका एक्सेस, ये सामने देखिए स्क्रीन पे, ये हैं सुनील शर्मा जो बीजेपी कैंडिडेट हैं पाडर नागसैनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से, और ये अपने मत का इस्तेमाल इस वक्त स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। तो ये जिस तरह से यहाँ उत्साह, खुद कैंपेनिंग भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे की गई, हमने देखा पीएम मोदी ने डोडा में जनसभाओं को संबोधित किया और जो होमलेस अमित शाह हैं उनकी तरफ से यहां से जो 6 कैंडिडेट्स जो है चुनावी मैदान में हैं, मुकाबला कितना दिलचस्प है राजन यहां पर? देखिए हालांकि 6 कैंडिडेट हैं लेकिन जो नेक टू नेक मुकाबला है ये जो सामने बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुनील शर्मा और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर हैं उनके बीच में ये कांटे का मुकाबला है और बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। ये सीट पहले किश्तवाड़ की एक सीट हुआ करती लेकिन जब डिलिमिटेशन हो गया उसके बाद ये पाडर नागसैनी जो है ये सीट बनी और जिसपे सुनील शर्मा जो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं ये अब कैंडिडेट हैं। और इनके साथ साथ शगुन हैं कैंडिडेट, उनके सामने जो सजाद अमल किशलू जो कि जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और ये शगुन परिहार वही हैं जिनके पिता और चाचा को की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों की तरफ से जब 2018 में उन पर अटैक हुआ था। तो उसके बाद जो है जब पीएम मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया डोडा में, उन्होंने कहा कि जो शगुन है वो उनकी बेटी है और लोगों से आह्वान किया था कि शगुन के लिए वोट किया जाए। और सुनील जो सुनील शर्मा है वो ये इनके लिए अमित शाह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और यहां तक कह दिया कि अगर आप इनको जिता के भेजते हैं तो इनको आगे ले जाएंगे, यानी कि बड़े पद जो हैं इनको दिए जा सकते हैं। बहुत ही दिग्गज नेता हैं क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ उस कमेटी को भी के भी ये जो है जब बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष थे इन्होंने ही उसके लिए काफी कामकाज किया और कश्मीर घाटी में भी ये काफी व्यस्त रहे, एक्टिव रहे और इन्होंने कामकाज किया। तो जिस तरह से यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त वो वोट कर क्या है और
ये निशान दिखा रहे हैं सुनील शर्मा और अपना मत का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और यही जो है 10 साल के बाद एक जमहूरियत का जो एक तरह से फेस्टिवल, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आज है, तो ये आज किया गया है। सुनील जी, आपने मत का इस्तेमाल किया। मैं तो आज बहुत ही खुश हूं कि 10 सालों के बाद इस विधानसभा का जो आज चुनाव हो रहा है, मैं भी अभी मतदान केंद्र पे आया और मैंने मतदान किया। बड़ा ही सुखद मेरे लिए ये समय है, बड़ा ही सुखद का ये पल है और मुझे लगता है। बिल्कुल राजन, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को।